अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने चैनल मुख्तलिफ ज़ायक़े में। नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं मोहम्मद तारिक़ की फरमाइश पर असलम बटर चिकन। ये पुरानी दिल्ली स्टाइल का है और वहाँ का ये काफ़ी फेमस बटर चिकन है। तो आइए देखते हैं असलम बटर चिकन बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। यहाँ हमने कुछ मसाले लिए हुए हैं जिन्हें हमने ड्राई रोस्ट करना है, जिसमें हमने लिया है एक बड़ा चम्मच भर के साबुत धनिया, एक चाय का चम्मच ज़ीरा, 8 लौंग ली हैं, 7 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 25 काले मिर्च ली हैं, 7 साबुत लाल मिर्च ली हैं, 1 पूरा फूल हमने लिया है जावित्री का, 1.5 इंच दारचीनी का टुकड़ा लिया है। दारचीनी जो राउंड रोल हुई हुई दारचीनी आती है उसको बीच से अलग कर लिया है। अगर आप पूरा रोल लेंगे तो काफ़ी मोटा सा रोल होएगा और पिसने में परेशानी होगी, तो इसलिए हमने उसको बीच से 2 पीसेज में अलग कर लिया है। 1/4 कप दही लिया है, 1.5 चाय का चम्मच ड्राई रोस्ट मेथी ली है, सूखी मेथी जिसे कसूरी मेथी कहते हैं, ये साग हमारे घर का सूखा हुआ है, 15 कली लहसुन लिया है, 1.5 इंच लिया है हमने यहाँ अदरक का टुकड़ा। ये जितने मसाले हमने लिए हैं इन सबको हमने ड्राई रोस्ट करना है। मेथी जो है वो भी हमने ड्राई रोस्ट करके ही ली है। इन मसालों के साथ मेथी को ड्राई रोस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा ड्राई रोस्ट होने के लिए, उतनी देर में मेथी जल जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखना है मेथी आपने अलग ड्राई रोस्ट करनी है, वो भी हल्का सा ड्राई करना है तवे पे ताकि वो जले नहीं, बस सूखने के बाद वो क्रिस्पी हो जाए, इतना आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है। तो चलिए इसको अब हम ड्राई रोस्ट करते हैं। एक पैन को हमने गैस पे गर्म करने रख दिया है, अभी हम सारे मसाले ड्राई रोस्ट करेंगे। मिर्च अभी रहने दी है, पहले हम इन मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं और फिर बाद में हम इसमें मिर्च को भी शामिल कर देंगे। हल्की सी खुशबू आने तक बस इसे रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं इसको रोस्ट करना, ये ध्यान रखना है कि मसाले आपके जलना नहीं चाहिए, मीडियम फ्लेम पे आप इसे रोस्ट करें। बस हल्का सा अरोमा इसमें से आने लगेगा। अब इसमें मिर्च भी शामिल कर देंगे, फ्लेम एकदम मीडियम रखेंगे। सारे मसाले हमारे अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, फ्लेम अब हम बंद कर देंगे और इनको हम वापस उसी प्लेट में निकालेंगे और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। मसाले हमारे सारे अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, या आप धुआं निकलते हुए देख रहे होंगे। अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे और इसको फिर मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसे हमने पाउडर फॉर्म में पीसना है। साथ में हम दही, अदरक और लहसुन भी शामिल कर देंगे और जो हमने मेथी ड्राई रोस्ट की है वो भी हम शामिल करेंगे। यानी हमने सारे मसाले जो भी हैं, ड्राई रोस्ट मसाले, अदरक, लहसुन, मेथी, दही, सब का एक फाइन सा पेस्ट बनाना है। तो इसको अभी हम ठंडा होने देते हैं। सारे ड्राई मसालों को हमने मिक्सर जार में डाल लिया है और इसको हम पहले थोड़ा सा ड्राई ऐसे ही पीस लेंगे, बाकी मसाले इसमें हम बाद में शामिल करेंगे। मसालों को जो ड्राई रोस्ट हैं उनको इस तरह से पहले आप पाउडर फॉर्म में पीस लें और बाकी अब इसमें शामिल कर देंगे हम अदरक लहसुन। अदरक को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, लहसुन शामिल कर दें और मेथी भी इसमें शामिल कर दें और इसको हम थोड़ा थोड़ा दही डाल के इसको फाइन सा पेस्ट कर लेंगे। यहाँ हमने लिया हुआ है 1 किलो चिकन, इसके हमने मीडियम पीसेस कराए हुए हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं।
अब इसमें डाल देंगे हम सारा पिसा हुआ मसाला। अब इसे अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है। चिकन को हमें स्मोक देना है, उसके लिए हमने इसमें ढक्कन रख दिया है स्टील का, छोटी सी प्लेट, आपके पास अगर प्याली हो या एल्युमिनियम फॉइल का कटोरी बना के रख सकते हैं। अब इसमें हम जला हुआ कोयला रख देंगे और इसके ऊपर डाल देंगे प्योर घी और इसको बहुत जल्दी आपने कवर कर देना है। अब इसे आप 5 से 6 घंटा भी मैरिनेट कर सकते हैं, 2 से 3 घंटा भी मैरिनेट कर सकते हैं, जैसा आपके पास वक्त हो। अगर जितना आप इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे चिकन आपका उतना ही बेहतरीन होकर बनेगा। तो अब हम इंतज़ार करेंगे इसके मैरिनेशन का। चिकन के साथ जो चटनी यूज़ होती है उस चटनी की रेसिपी भी हम आपको बताना चाहेंगे। एक मुट्ठी इसमें हमने लिया है पुदीना, एक मुट्ठी हरा धनिया, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच जीरा लिया है, 1/2 चम्मच काला नमक और 1/2 चम्मच ही यहाँ हमने लिया हुआ है सादा नमक, यानी जो डेली बेसिस पे नमक यूज़ होता है वो नमक लिया है। नमक की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि मैरिनेशन के चिकन के मैरिनेशन में भी नमक गया है और बाद में भी इसमें चाट मसाला यूज़ होगा तो उसमें भी नमक होता है, तो नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा हाथ रोक कर करेंगे। और 1 सर्विंग स्पून यहाँ हमने लिया हुआ है दही, पानी की जगह इसको पीसने में हम दही यूज़ करेंगे। हरा धनिया पुदीना एक ब्लेंडर में डाल लेंगे। हरी मिर्च भी डाल देंगे, कहाँ तोड़ के डाल दें या कट करके डाल दें। अदरक भी इसमें शामिल कर देंगे, काला नमक, सादा नमक और जीरा भी इसमें शामिल कर देंगे और साथ साथ डाल देंगे इसमें दही। अगर चटनी थोड़ी थिक होएगी तो इसमें थोड़ा सा दही और शामिल करेंगे इसकी थिकनेस को थोड़ा सा पतला करने के लिए। चटनी हमारी पिस के रेडी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं, इसमें 2 सर्विंग स्पून तकरीबन दही गया है और चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। इसे अब हम कवर करके रख देते हैं। चिकन हमारा बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। एक इंग्रेडिएंट इसमें हम अभी ऐड कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसको मैरिनेशन के टाइम पे भी ऐड कर सकते हैं। 1 नींबू का रस इसको हम इसमें अभी शामिल कर रहे हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक पैन में 1 सर्विंग स्पून हमने ऑयल डाला है और 2 क्यूब्स इसमें हम डालेंगे बटर। बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अब इसमें हम सारे पीसेस को रख देंगे। फ्लेम अब मीडियम कर लेंगे। अब इसे हमने फास्ट फ्लेम पे ही कुक करना है, दोनों साइड से मार्क्स आने तक हम इसको कुक करेंगे, अलट पलट करते रहेंगे, इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। अभी 1 से 1.5 मिनट तक एक साइड से होने देंगे, फिर इसको टर्न करेंगे, यानी 2 से 3 बार इसको टर्न करके आपने पकाना है, इतना कि चिकन आपका अच्छे से गल जाए। मैरिनेशन का जो मसाला बचा हुआ था वो भी हमने चिकन में शामिल कर दिया है, बस इसे हमें हमने अच्छे से नाइसली कुक करना है। पैन हमने थोड़ा फैला हुआ ले लिया है, वो थोड़ा डीप बॉटम का था, इसे हमने फैले हुए बॉटम में ट्रांसफ़र कर लिया है, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप
फैले हुए खुले हुए बर्तन में ही बनाए इसको। 3 मिनट हो चुके हैं, चिकन को अब हम टर्न करेंगे। सारे पीसेस टर्न हो गए हैं, अब इसे हम वापस कवर कर देंगे। चिकन हमने तकरीबन 4 से 5 घंटे मैरिनेट किया है, लेकिन कभी कभी चिकन गलता नहीं है, इसलिए कवर भी करना पड़ जाता है। तो इसे हम 2 से 3 मिनट और कवर करके पकाएंगे, फिर फास्ट फ्लेम पे हमने इसको फास्ट करके खुश्क कर देना है। सारा मसाला चिकन हमारा रेडी हो जाएगा। मास्क आने तक बस इसे हम पकाएंगे। बटर चिकन में जो स्पाइसेस मिलाते हैं चाट मसाले के साथ, वो यहाँ हम रेडी कर रहे हैं। 1/4 चम्मच काला नमक हमने लिया हुआ है, 1/2 चम्मच यहाँ हमने ली हुई है पीली मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच यहाँ हमने लिया हुआ है चाट मसाला। जहाँ पीली मिर्च पाउडर नहीं मिले वहाँ सिर्फ चाट मसाले से भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल हम रामपुर में हैं और बहुत आसानी से पीली मिर्च अवेलेबल है और जायके में ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो असलम बटर चिकन का जो स्पेशल मसाला बनता है, अब हम वो बना रहे हैं। इन सारे स्पाइसेस को हम एक कटोरी में या एक प्याली में मिक्स कर लेंगे। अब इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लें। ये सारा मसाला यूज़ नहीं होगा, थोड़ा सा स्प्रिंकल किया जाएगा, फिर बाकी जो मसाला बचेगा उसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में करके आप फ्रिज में रख सकते हैं आराम से। तो ये स्पाइसेस हमारी रेडी हो गई हैं, अभी हम चिकन को देख लेते हैं। चिकन माशाल्लाह हमारा फर्स्ट क्लास रेडी हो रहा है और तकरीबन 2 से 4 मिनट में चिकन हमारा रेडी हो जाएगा। इसे एक बार और टर्न कर देंगे। बहुत ही बेहतरीन इसमें खुशबू आ रही है सारे स्पाइसेस की। एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगी नाज़रीन, अगर आप इसमें जो गरम मसाला हमारे चैनल पे अपलोड है अगर वो मिलाना चाहें तो 1/2 चम्मच मैरिनेशन में वो गरम मसाला भी इसमें आप मिक्स कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा स्पाइसी खाना है। वैसे ये चिकन बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है। ये आप देखें कितनी नाइसली इसमें मार्क्स आने लगे हैं। बस अब थोड़ी ही देर में चिकन हमारा रेडी हो जाएगा। यहाँ हमने बटर मेल्ट करने के लिए रखा हुआ है एकदम स्लो फ्लेम पर। बटर आपने मेल्ट करना है, ये 100 ग्राम बटर है और इसमें से ही हमने चिकन में भी डाला है। तो इसको बस मेल्ट होते ही फ्लेम को बंद कर देंगे और फ्रेश क्रीम का भी यूज़ है इसमें। फ्रेश क्रीम हमने निकाल कर एक बाउल में रख ली है। क्रीम तो आप जितनी चाहें यूज़ कर सकते हैं, 250 ml का हमने एक बॉक्स फ़िलहाल बाउल में निकाला है। ये हमने फ्रेश क्रीम अमूल की, इसको भी निकाल लिया है एक बाउल में। जब भी आप क्रीम लाएं तो उसको फ्रिज में रख दें ताकि वो थोड़ी सी थिक हो जाए, क्योंकि जैसे हम लेकर आते हैं तो वो काफ़ी पतली सी होती है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन फ्रिज में रखने से वो थिक हो जाती है। तो आपने ऐसे ही करना है, थोड़ा थिक कर देना है इसको। इधर हमारा बटर भी मेल्ट हो चुका है, फ्लेम को अब बंद कर देंगे हम और चिकन को चेक कर लेते हैं। चिकन में देखें कितने अच्छे मार्क्स आ चुके हैं। चिकन हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है, बस अब हमने सर्विंग का तैयारी करनी है। चिकन हमारा रेडी है, बस इसका सर्व करने का जो तरीका है वो अब हमने आपको बताना है। स्मोकी फ्लेवर देने के लिए यहाँ हमने एक जाली पर सारे पीसेस को रख लिया है और उसको इस तरह से देखिए घुमा घुमा कर हमने स्मोक देना है। अगर आपके पास कोयले वाली सिगड़ी है तो वेल एंड गुड, उसमें आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस तरह से भी इसको अच्छा सा फ्लेवर दे सकते हैं। बस थोड़ा सा ही देना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस हल्का सा फ्लेवर आना चाहिए, 1 से 2 मिनट बस। अब ये हो चुका है, फ्लेम बंद कर देंगे और इसे अब हम एक तसले में रख लेंगे सारे पीसेस को।
असलम बटर चिकन को तसला चिकन भी कहा जाता है, तो इसीलिए हम इसको इस तरह से स्टील के तसले में निकाल रहे हैं। अब इसमें हम चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे सब साइड में, बहुत ज़्यादा नहीं करना, जैसी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आपने करना है। फिलहाल हमने अभी आधा चम्मच इस पर स्प्रिंकल किया है। अब इसमें डालेंगे चटनी, चटनी भी एक चम्मच जितनी डालेंगे या डेढ़ चम्मच बस। अब इसमें डालेंगे क्रीम, अब इसको थोड़ा सा उछाल कर मिक्स करेंगे। अब इसको इस तरह से आपने उछालना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसके ऊपर डालेंगे बटर, अब इसमें मेल्ट किया हुआ गरम गरम बटर डाल देंगे। बटर थोड़ा ज्यादा जाता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और फिर इसको भी आपने इस तरह से मिक्स कर देना है। अगर इस तरह से नहीं कर पाए तो आप इसे चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, तो इसे हम चम्मच से भी मिक्स कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये प्रैक्टिस जो है ये बड़े लोगों की होती है, बहुत अच्छे से कर लेते हैं। आहिस्ता से आप इसको मिक्स कर लें चम्मच की मदद से। क्रीम और बटर जो है वो सारे पीसेस पे अच्छे से लग जाना चाहिए। तो असलम बटर चिकन हमारा बनके रेडी हो चुका है, और इसके गर्म करने का भी तरीका मैं आपको बताना चाहूँगी। या तो जब आप सर्व करें उस वक्त आपने ये सब प्रोसेस करना है, बटर का, चटनी का, स्पाइसेस का और क्रीम का। और अगर आपने बना लिया है और सर्विंग के टाइम पर ये ठंडा हो गया है, तो जिस भी बर्तन में आपने बनाया है, ये तकरीबन आप स्टील के ही बर्तन में इस तरह से करें, तो एक इससे बड़े बर्तन में आपने पानी गर्म करना है, अच्छा बॉइलिंग वाटर हो जाना चाहिए, और उसमें आपने ये बर्तन रख देना है। डायरेक्ट इसको गैस पे रख के या माइक्रोवेव में नहीं गर्म करना, क्रीम आपकी फट जाएगी, तो इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। तो लीजिए नाजरीन, ये असलम बटर चिकन बनके रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मुख्तलिफ जायके की आपको हरदम मिलती रहे। नेक्स्ट रेसिपी के साथ सीमा शिक आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी। अल्लाह हाफिज़।